हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, 12th ऑफ जनवरी 2022, दैट इज़ कल के दिन से नीट पीजी 2021 सेशन की जो एमसीसी की रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाली है। ऑल इंडिया कोटा के लिए जो रजिस्ट्रेशन होती है वो स्टार्ट होने वाली है। सो कुछ छोटी छोटी बट ध्यान में रखने वाली बातें हैं, कुछ ट्रिक्स है दैट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे, जो आपको ध्यान में रखनी है, जो अगर आप जिन्हें फॉलो करेंगे तो विच विल डेफिनेटली हेल्प यू, आपको प्रॉब्लम से वो चीज़ें बचा सकती है। सो क्या क्या वो बातें हैं वो देख लेते हैं, किन ट्रिक्स को आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन मोस्ट प्रोबेबली 12th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, बट जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगी यू विल सी कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो जाएंगे सर्वर पे और रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट सर्वर है जो उतनी ज़्यादा लोड को एक साथ नहीं सह पाएगी, कहीं ना कहीं जा करके सर्वर हो सकता है हैंग करे, सर्वर हो सकता है क्रॉल करना स्टार्ट कर जाए। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ टू टेक द प्रिकॉशन कि आप लोग 12th को रजिस्ट्रेशन ना करें। जैसे ही सर्वर ओपन होती है वैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए टूट ना पड़े, एक दिन का इंतजार कर लें, एक दिन का वेट कर लें। 13th ऑफ जनवरी 2022 को आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें, रजिस्ट्रेशन इनिशिएट करें, फॉर्म फिलअप करें और रजिस्ट्रेशन पार्ट को कंप्लीट करें, और हो सके तो इस रजिस्ट्रेशन को आप रात के टाइम में करने की कोशिश करें। आपके घर में लैपटॉप और इंटरनेट आई होप कि ज़रूर होगी। सो अगर आप इसे रात के टाइम में ट्राई करते हैं रजिस्ट्रेशन करना, तो उस टाइम में सर्वर पे लोड भी कम रहती है और जो इश्यूज होते हैं सर्वर के, वो जो सर्वर है वो ज़्यादा अच्छे से काम करती है, तो आपको प्रॉब्लम्स कम आएगी। जैसे सर्वर हैंग नहीं करेगी, या पेमेंट आप करने जाओगे तो पेमेंट बीच में स्टक नहीं होगी, गेटवे प्रॉपरली काम करती है। तो इसलिए फर्स्ट दिन जो है वो अवॉइड करना चाहिए और सेकेंड दिन से आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। दैट टू अगर पॉसिबल है तो आप रात के टाइम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे कि आपको इश्यूज झेलने को नहीं मिलेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, या फिर जो DNB के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, या फिर जो AFMC सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, उन्हें 25,000 की रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगने वाली है। तो वो या तो डेबिट कार्ड, या तो क्रेडिट कार्ड, या तो फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। मगर जो स्टूडेंट डीम्ड को भी अपने डीम्ड के लिए भी रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, उन्हें 2,05,000 की रजिस्ट्रेशन करनी होगी। 2,05,000 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन की जो अमाउंट पेमेंट होती है वो या तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या तो आप डेबिट और या फिर क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। तो जो नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं वो ये चेक कर लें कि उनकी नेट बैंकिंग प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं है तो वो अपनी नेट बैंकिंग पहले एक्टिवेट करा लें। और वैसे स्टूडेंट्स जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अपनी पेमेंट करना चाहते हैं, वो अपनी लिमिट को बढ़ा करके 2,05,000 रुपये तक की एटलीस्ट करा लें। अदरवाइज आपकी अगर लिमिट बढ़ी हुई नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से फिर पेमेंट नहीं होगी। सो इस लिमिट सेक्शन को आप देख लें, इस लिमिट पोर्शन को आप देख लें, और अगर लिमिट इन बढ़ी हुई नहीं है तो आप वो लिमिट बढ़ा लें। तीसरी चीज़ क्या है, वैसे स्टूडेंट्स जो AFMC कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन के दौरान AFMC को भी सिलेक्ट करना ज़रूरी है। AFMC की अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। कल जब आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, या परसों जब भी आप रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके सामने ऑल इंडिया कोटा सीट्स भी होगी, DNB की सीट्स भी होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की भी सीट्स होंगी और AFMC की भी सीट होगी। तो जो भी AFMC को टारगेट कर रहे हैं या AFMS को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें AFMS को भी सिलेक्ट यहीं पर करना है। रजिस्ट्रेशन AFMS के लिए इसी वेबसाइट पे होगी। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कौन कौन से सीट्स को टारगेट कर रहे हैं। ऑल इंडिया कोटा प्लस DNB प्लस सेंट्रल प्लस AFMS, चारों को मिला करके आपको 25,000 रुपीज़ लगेगी, और किसी एक के लिए करते हैं तो भी 25,000 लगेगी। लेकिन जो डीम्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन्हें डीम्ड प्लस बाकी की सीट्स, मतलब जितनी भी सीट्स है, चाहे वो ऑल इंडिया हो, चाहे वो DNB हो, चाहे वो AFMS हो, चाहे वो
सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर वो डीम्ड हो, इन सभी को मिलाकर के सिर्फ एक बार 2,05,000 की पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं करना कि ऑल इंडिया के लिए अलग 25,000 हमने पे किया और डीम्ड के लिए अलग 2,05,000 हमने पे किया। हमें सिर्फ एक अमाउंट पे करनी है, विच इज द हाइयर अमाउंट, जो 2,05,000 रुपीज की है। तो उस अमाउंट को जो है वो आपको पे करनी है, और जो AFMS को टारगेट कर रहे हैं उन्हें AFMS को भी वहां पे सिलेक्ट करनी है। फोर्थ पॉइंट, रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करनी है। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक आपकी नीट पीजी की एडमिट कार्ड होगी और दूसरी आपकी नीट पीजी की स्कोर कार्ड होगी, जो पुरानी वाली स्कोर कार्ड आई हुई होगी उसकी जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इन्हीं दोनों डॉक्यूमेंट में वो सारे क्रेडेंशियल्स होंगे, वो सारे फील्ड्स जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी जाएगी, वो सारे के सारे फील्ड्स के जो आंसर होंगे वो आपको इन्हीं दोनों डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगी। जहां तक अपलोड करने की बात है तो किसी तरीके की कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं रहती है। सो अभी डॉक्यूमेंट्स को आप अरेंज करके अपने पास रखें, बट ऐसा ना सोचें कि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है जो 5 दिन या 6 दिन के बाद आपके पास आ सकती है तो उसकी वजह से आपकी रजिस्ट्रेशन रुकेगी, ऐसा नहीं होगा। तो इन बातों को आप ध्यान रखें रजिस्ट्रेशन करने के दौरान। अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप जो है रजिस्ट्रेशन वो बहुत इजी वे से कर सकते हैं, आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और आप इजी वे से अपने रजिस्ट्रेशन करके आगे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।